हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सारे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज हम आए हैं हमारी पुरानी स्कूल विद्यालय में, तो हम उसको आपको दिखाना चाहते हैं। काफ़ी बढ़िया ब्लैक ग्राउंड है दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना कभी आप भी ऐसे विद्यालय में पढ़े होंगे। और वो एक खंडर की तरह भांति बन चुका है, ठीक है। विद्यालय था या का फर्स्ट गेट है, ठीक है। गेट पे मिलते हैं दोस्तों, आ जाओ तब तक के लिए। दोस्तों ये जो पुराना मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, काफी पुराना है। जब हम यहाँ पर विद्यालय में आते थे तो हम यहीं पर बैठते थे, काफी मनोरंजन होता था दोस्तों के साथ। मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक सपना रहा है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो आप सभी का सपोर्ट। ये मेन फ्रंट है, यहाँ का दरवाजा, उसको नमस्कार करते हैं दोस्तों। इधर देखो, ये शिव जी का मंदिर है पुराना, आपको ओम का निशान दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर तो उसकी प्रतिमा थी, उसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दी गई है। अंदर की तरफ ले आओ मुझे। मैंने एक छोटी सी गुफा अंदर ले लिया, छोटी सी गुफा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो महादेव जी की पूजा सामग्री थी यहीं पर ही थी। इधर देख लो पानी का व्यूज, ये पानी का खंडर भरा हुआ है। काफी बढ़िया लोकेशन आ रही है, बहुत बढ़िया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले का यहाँ का प्रेस होने की जगह है, जब हम यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ये सुविधा बनाई गई थी, ठीक है। आज ये पूरा खंडर बन चुका है, देख सकते हैं आप। चारों तरफ कैमरा की लोकेशन घुमा दे। दोस्तों ये देख सकते हैं रूम नंबर 1 है यहाँ का। इधर की तरफ राजस्थान का मानचित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, काफी पुराना। हम अंदर आ चुके हैं, आवाज गूंज रही होगी, इसके लिए माफी चाहूंगे। इधर भारत का नक्शा बच्चों को दर्शाने के लिए, छोटा छोटा ज्ञान बच्चों के लिए हितकारी हो। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है पाचन तंत्र, देख सकते हैं विज्ञान से संबंधित लेसन, देख सकते हैं पाचन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है मनुष्यों का। इधर संसार का मानचित्र दर्शाया गया है, काफी अच्छा, काफी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी स्पष्टता आपको जो दिखाई दे रही है ये मेरे सामने, ये रियल है, ठीक है। ये यहाँ का प्रश्न नाम है राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोना कला, ये यहाँ का प्रश्न नाम है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। इधर देख सकते हैं रूम नंबर 4, रूम नंबर 3 और ये सूचना पट, ठीक है। सूचना पट पर आपको जानते होंगे क्या क्या, मतलब क्या निर्देश दिए जाते हैं यहाँ पर, जो अवकाश परीक्षा एग्जाम से संबंधित जो भी निर्देश यहाँ पर, जो पहले से यहाँ पर लिख दिया जाता था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रूम नंबर 3, गुरु मित्र कक्ष, यहाँ पर प्रधानाध्यापक समस्त टीचरों के साथ आते थे, यहाँ पर वार्तालाप होती थी, जो भी मीटिंग होती थी इसी रूम में होती थी, ठीक है। आप देख सकते हैं गुरु मित्र कक्ष, देख सकते हैं चारों तरफ का ये बैकग्राउंड, ये सांपट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा। यहाँ पर बच्चों को लिखाया जा रहा है, ठीक है, दिनांक कक्षा विषय पहले से स्टेट कर रखी है,
यहाँ पर तो गंदगी आपको दिखाई दे रही है, देख लो काफी पुरानी गंदगी हो चुकी है, कितनी सारी गंदगी देख सकते हैं, कितना पुराना हो चुका होगा। पीछे का जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं घर बन चुका है, काफी अच्छा लोकेशन, काफी हवा आ रही है, ठीक है। बाकी तरफ ले आओ, पानी का कुंडा आपको दिखाई दे रहा है, काफी पुराना हो चुका है, पहले के टाइम का। यहाँ पर देखो पूरा खंडर बन चुका है, यहाँ से ही हम पानी पीते थे पहले, जो भी औजार होता था खींचने का उनको खींच कर यहाँ पर पानी पिया जाता था बच्चों के साथ, ठीक है। अंदर ही दोस्तों ये जो है प्रार्थना सभा मंच, यहाँ पर बच्चे अपनी जो प्रार्थना है माँ सरस्वती की वंदना करते थे, और बाकी सारे बच्चे जो यहाँ पर नीचे बैठते थे देखिए। लेकिन आप दुर्दशा देख सकते हैं कैसी हो चुकी है, और इधर देखिए बाउंड्री, विद्यालय का पूरा एरिया कवर यहाँ पर है, पूरी लोकेशन बता दो, स्कूल कहाँ से लेके कहाँ तक बड़ी है। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है पुरानी टंकी, ठीक है, ये पुरानी टंकी पहले की थी, अब इसको पुताई करवा के अच्छी तरह करवा दिया गया ताकि पूरे गांव में पानी सप्लाई हो सके। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हैं आप सारे, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आपने जो हमारा ब्लॉग देखा है आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एक, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो, और ऐसे हमको ऐसे सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, पहली वीडियो है दोस्तों। अच्छा लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, यार इतनी मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, ठीक है।